हरि भगवान की जय हो, आनंद बिहारी लाल की जय हो। देवताओं का अत्याचार बढ़ गया है, देवासुर का संग्राम की स्थिति आ गई है, तब भगवान ने कश्यप अवतार लिया। कश्यप अवतार लिया है, देवासुर संग्राम की तैयारी है, क्योंकि वृत्ति असुर और सुर की होती है। देवासुर संग्राम हो रहा है, ये कहा गया कि समुद्र मंथन किया जाए, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे रखकर मथानी कराने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार लिया। पर्वत जिस समय मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई तो ये कहा गया कि भाई इसको मथने के लिए रस्सी कहाँ से लाया जाए। मथानी समझ रहे ना, अपनों दही बिलोने का पुराना सिस्टम था। जो मंदराचल पर्वत तो बहुत बड़ा है, उसको पकड़ने के लिए रस्सी कहाँ से लाया जाए। और अगर मंदराचल पर्वत सागर में समाहित हो जाता तो जल स्तर कितना ऊपर आ जाता, समय से पहले प्रलय हो जाता। भगवान श्री हरि ने कश्यप अवतार लिया और अपने पीठ पे मंदराचल पर्वत को रख करके मथानी कराया। मंदराचल पर्वत से अनेक रत्न निकले हैं, मंदराचल पर्वत से आपको बता दिया जाए कि मंदराचल पर्वत से जो रत्न निकले इसके कारक भगवान शिव है। ध्यान से सुनना, अहंकार जो है ना आपका, वो भगवान का नाश्ता है, और अतिशय जो आपका प्रभु से नास्तिकता है वो उनका डिनर है। ये शिव जी कारक है समुद्र मंथन के, उसका रहस्य बता दे। अगस्त ऋषि से जब तक राम कथा सुन रहे थे भगवान शंकर, तो वहां विडंबना हुई थी। ऐसे वक्ता के चरण श्रोता धोता है ना, लेकिन वहां उल्टा हुआ था। भगवान शंकर और सती कथा सुनने गए थे, वक्ता थे अगस्त ऋषि, लेकिन अगस्त ऋषि ने सती और शिव के चरण धोए थे कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। वहीं से सती के मन में संदेह होने लगा, ये तो उल्टा हो रहा है। प्रवक्ता के चरण श्रोता धोते हैं, लेकिन यहां तो श्रोता वक्ता के चरण धो रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं। वक्ता श्रोता के चरण धोने लगा, अरे मेरे शिव किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, जिसकी उत्पत्ति ही घट से हुई हो वो राम कथा क्या खाक सुनाएगा। वही बदल गया ना श्लोक, पहले क्या कहा तिवारी बाबा, संग सती जग जननी भवानी, और अगली लाइन में दक्ष सुताई कहूं चलो। भगवान शंकर वही हैं, शिव के साथ शक्ति को भगवती मानकर पूजा किया, शिव ने कथा सुनी, सती अनमने मन से टाइम पास करती रही, क्योंकि संशय आ गया था ना। बाबा ने कल्पना की, आपके बारे में कीर्ति रचना आपके कर्मों पे निर्धारित है। दीक्षा देने के बाद कथा सुनने थे ना, जब सिखाओ साहब कथा अगर आप सुनेंगे या कोई भी सुनता है ना, तो वक्ता को दक्षिणा दिया जाता है ना, चाहे फूल ही सही। अब भगवान शंकर ने तो कथा सुनी, दक्षिणा देने की बात आई, सती ने कहा आप दो, बोले मैं इसीलिए रहता हूं कि मेरे पास कुछ रहे नहीं, कोई मांगे कभी इकट्ठा ही मत करो, मांगेंगे क्या, यहां तो दिल लेना दिल देना, सौदा करा करा, नंगे पैर चलता हूं, आ जा, अपने पास नहीं है जेकवार भाई, अपने तो जमीन में सोना पड़ेगा। अगर फक्कड़ और थप्पड़ और लक्कड़ के आनंद लेने तो फकीर के पास आ जा,
और अगर एसी में घूमना है बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो पाखंडियों के पास चले जाना, वो दुकान अपने यहाँ नहीं लगती। भगवान शंकर ने कहा, सती तुम हमेशा कहती थी ना, ध्यान से सुनिए, कि आप रोज कहती थी ना महल बना लो महल बना लो, मैं इसीलिए नहीं बनाया कि देना पड़े, एक बनाया था तो रावण का बाप विशेष शर्मा दान में मांग कर ले गया, वही सोने की लंका है, सोने की लंका रावण या उसके बाप ने। मैं तो रखता ही नहीं हूं अपने पास, दूंगा क्या? दशकंदर के पिता विशेष शर्मा सती के लिए ये लंका बनाई गई थी जिसे लंका कहते हैं, और उन्होंने दान में मांग लिया था, वास्तु पूजन के लिए गए, तब उसी समय सती ने श्राप दिया था कि जो इसका निर्माता है वही इसके नष्ट का कारक भी बनेगा, और लंका जलाने वाले रुद्र अवतार हनुमान जी थे, और उनकी पूछ की अग्नि को शक्ति का स्वरूप दिया गया, जो देता है वो ले भी लेता है अगर सही उपयोग मत करो। भगवान शंकर ने कहा, मैं मेरे पास कुछ रखता ही नहीं हूं तो दूंगा क्या तिवारी बाबा जी। उसके बाद तुरंत चौपाई बदल गई सा, गोस्वामी जी अब अगली लाइन में क्या लिख रहे हैं, दक्ष सुत कहु चले लवाई, और पहले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी असंग सती जग जननी भवानी, यानी अगर घर में है ना हमारी बिटिया रानी से चाय जल जाए तो तेरी माँ ने क्या सिखाया, ये सुनने को होता है, यानी जो अपने पति पे परमात्मा पे भरोसा नहीं रखता, अच्छे कर्म नहीं करता, उसके कृत के कारण माता पिता का नाम बदनाम हो जाता है, इसलिए हमेशा सत्कर्म करें, माता पिता की कीर्ति बढ़ाएं। उसे सारे निकले तो अब प्रश्न उठता है, लोग तर्क करते हैं कि स्वामी जी आपने तो बड़ी अटपटी बात कह दी, आगे के प्रवक्ता नहीं बताते, मेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, हम ऐसा ना नगरी चाहिए, बद्दा मोटा मोटा प्रवक्ता आ गया हुए कदाचित है, मोटी मोटी कथा थे लेते, पर वो लोग पूछते हैं स्वामी जी उन्होंने तो नहीं बताया, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। प्रामाणिकता ये है, सती जिस समय शिव से कथा सुनकर सागर के तट पर गई थी जल भरने, तो सागर की कुदृष्टि सती पर पड़ी थी, और सागर ने कहा तुम किसकी पत्नी हो, बोले मैं शिव की पत्नी हूं, बोले उस फकीर के पास है क्या, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 14 रत्न भरे पड़े हैं, भगवान ने कहा पाप नहीं, पाप के कारण को देखो, अब सागर का अहंकार है तो पहले इसके रत्न को ही नष्ट कर दिया जाए, इसलिए मंदराचल के कारक शिव को माना जाता है, और श्री हरि ने ये सारी वस्तुएं सागर को दे रखी थी कि समय आने पर मुझे ये वस्तुएं लौटानी पड़ेंगी, सागर की वस्तु, जैसे सागर की वस्तु नहीं थी मंदराचल पर्वत लग के मथानी लगाई गई, उसे सब दे देना पड़ा, ऐसे मेरे भाई बहन जो आपको भोग करने के लिए मिला है वो आपकी वस्तु नहीं है, आज नहीं कल छोड़ के चले जाना है, हो सके तो परमार्थ कर लो, नहीं सागर जैसे खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक जगह हम कथा कर रहे थे, कहा की बात है, गुड़गांव की बात है तिवारी जी, लाला जी आए, मैं जैसे जी अभी मैं खुद ही शिष्य हूं तो मैं चेले नहीं बनाता, क्योंकि आजकल के चेले चाल बहुत खतरनाक खेलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो मैं खुद ही शिष्य हूं तो बनाता नहीं, एक आया बानिया बोला महाराज आज तो पक्का निर्णय करके आया हूं आपका शिष्य बनूंगा, मैंने पक्का, बोले हाँ बनेगा सोच ले, बोले जी सोच लिया, मैंने कहा अच्छा चल शाम को आ जाना विश्राम स्थल पे,
आया ले गुरुदेव सामान मंगाऊं? मैंने किसका? मौत का। वो चढ़ पाया मेरे पे। गुरुजी शिष्य बना रहे, मौत का मतलब जो तुमने मरना नहीं जाना वो शिष्य हो ही नहीं सकता है। पहले स्वयं के अंदर के अहंकार को मार ले, फिर गुरु के पास आना, नहीं तो तेरा रास्ता नाप ले भाई। फिर मैंने उसको और तरीके से समझाने की कोशिश की। मैंने भाई तेरे घर में प्रॉपर्टी कितने की होगी? ये जी 10-15 करोड़ की होगी। और कौन है परिवार में? बोले बेटा मैं। बोले तीसरा में नहीं हो गया? एक काम कर, 3 हिस्सा लगा दे। अब शिष्य ने हमको शीशा दिखाना चालू कर दिया। महाराज बड़ा लेक्चर दे रहे थे, मैं पैसे नहीं लेता, मैं ईमान नहीं बेचता, आ गए ना अपनी पे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मेरे भाई तू और हम यहां बैठे हैं, अगले 5 पल में तेरा एक्सीडेंट हो जाए और तेरा शरीर पूरा हो जाए, इन 15 करोड़ में से कितने को छू लेगा? बोले जी बिल्कुल नहीं छू सकता। मैंने साले मूर्ख, जो तेरा है नहीं, जिसे तू छू नहीं सकता, हाँ उसे देने में तुझे इतनी लालच है? और ये 42 साल तक जो गुरुओं का चिमटा मार खा खा करके ये ज्ञान सीखा है, तेरा भरोसा 5 मिनट का नहीं है, एक छल का नहीं है, और तुझे मोक्ष तक की गारंटी लेनी है तो पहले खुद को मार दे गुरु साधारण में। कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमको क्या करना है? हम लोगों की तो जिंदगी अलग है। कुछ लोग मेरे से परिचय पूछते हैं, ये मेरी पहली रचना है जो आपको सुनाऊंगा। मैं मेरे परिचय पे लिखवाया था, मैं सन्यासी हूं जंगल में रहता। क्यों नारायण पाटिल, अपन जंगल में ही रहते, पूछना राजेश जी से। एक तकत छोड़ के कुछ नहीं, और कहने के लिए 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कारपोरेट है, लेकिन वारिस किसी का नहीं।